प्रदेश में मौजूद शत्रु संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया समय समय पर की जाती है। इसी क्रम में बागपत जिले की बड़ौत तहसील के कोताना गांव में मौजूद एक ऐसी शत्रु संपत्ति की नीलामी की गई जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार के सदस्य के नाम दर्ज थी। एडीएम पंकज वर्मा ने बताया कि कोताना गांव के रहने वाले नूरुद्दीन 1965 में पाकिस्तान चले गए थे। उनके नाम से शत्रु संपत्ति का क्षेत्रफल लगभग 13 बीघा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वर्ष 2010 में शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था इसे। इसी तरह की शत्रु संपत्तियों की नीलामी की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर की जाती रहती है। बड़ौत में कुल 8 प्लॉट थे, लगभग 2 हेक्टेयर की जमीन थी, जो कि 2010 में ही शत्रु संपत्ति घोषित हो गई थी। उसकी नीलामी कल संपन्न हुई है। बेस प्राइस 37 लाख का था और 1,38,16,000 में नीलामी संपन्न हुई है। और ये राजस्व अभिलेखों में नूरुद्दीन के नाम ये जमीन दर्ज है। 1965 में वो पाकिस्तान चले गए थे, तब से ये शत्रु संपत्ति लीज के तौर पे और लोगों को दी जाती रही है। इस बार इसकी फाइनल नीलामी की गई है।